सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम द्रोण पर्व जयद्रथ वध पर्व 139वां अध्याय भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध, पहले भीम की और पीछे कर्ण की विजय, उसके बाद अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर कर्ण और अश्वत्थामा का पलायन, फिर क्रोध एवं अमर्ष में भरे हुए बलवान भीमसेन ने जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय उन दोनों के गोह चर्म के बने हुए दस्तानों के आघात से चटाचट की आवाज होने लगी, साथ ही हथेली का शब्द और महाभयंकर सिंहनाद भी होने लगा। रथ के पहियों की घरघराहट और प्रत्यंचा की भयंकर टंकार भी कानों में पड़ने लगी। राजन, परस्पर वध की इच्छा रखने वाले कर्ण और भीमसेन के पराक्रम को देखने की अभिलाषा से समस्त योद्धा युद्ध से उपरत हो गए। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और विद्याधरगण साधु साधु कहकर उन दोनों की प्रशंसा और फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर क्रोध में भरे हुए सुदृढ़ पराक्रमी महाबाहु भीमसेन ने अपने अस्त्रों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उसे बाणों से बींध डाला। महाबली कर्ण ने भी रणक्षेत्र में भीमसेन के बाणों का निवारण करके उनके ऊपर विषैले सर्पों के समान 9 नाराज चलाए। भीमसेन ने उतने ही बाणों से आकाश में सूत पुत्र के सारे नाराज काट डाले और उससे कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तत्पश्चात महाबाहु वीर भीमसेन ने कर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया जो क्रुद्ध यमराज के समान तथा दूसरे यमदंड के सदृश भयंकर था। राजन, अपने ऊपर आते हुए भीमसेन के उस बाण को प्रतापी राधानंदन कर्ण ने 3 बाणों द्वारा हंसते हुए से काट डाला। तब पांडुनंदन भीम ने पुनः भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु कर्ण ने उन सब अस्त्रों को निर्भयता पूर्वक आत्मसात कर लिया। क्रोध में भरे हुए सूत पुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्धपरायण भीमसेन के 2 तरकसों, धनुष की प्रत्यंचा, बागडोर तथा घोड़े जोतने की रस्सियों को भी युद्ध स्थल में काट डाला। फिर घोड़ों को भी मारकर सारथी को 5 बाणों से घायल कर दिया। सारथी वहां से भागकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इधर क्रोध में भरे हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण ने भीमसेन का उपहास सा करते हुए उनकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर कुपित हुए महाबाहु भीमसेन ने शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर कर्ण के रथ पर दे मारा। कर्ण कुछ थक सा गया था, तो भी उसने बहुत बड़ी उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस सुवर्ण भूषित शक्ति को 10 बाणों से काट दिया। मित्र के हित के लिए विचित्र युद्ध करने वाले तथा बाण प्रहार में तत्पर सूत पुत्र कर्ण के तीखे बाणों से 10 टुकड़ों में कटकर वह शक्ति धरती पर गिर पड़ी। तब कुंती कुमार भीमसेन ने युद्ध में सम्मुख मृत्यु अथवा विजय, इन दोनों में से एक का निश्चित रूप से वर्ण करने की इच्छा रखकर ढाल और सुवर्ण भूषित तलवार हाथ में ले ली। भारत, उस समय क्रोध में भरे हुए कर्ण ने हंसते हुए से वेग पूर्वक बहुत से अत्यंत भयंकर बाण मारकर भीमसेन की चमकीली ढाल नष्ट कर दी। महाराज, ढाल और रथ से रहित हुए भीमसेन ने क्रोध से आतुर हो बड़ी उतावली के साथ कर्ण के रथ पर तलवार घुमाकर चला दी। राजेंद्र, वह बड़ी तलवार आकाश से कुपित सर्प की भांति आकर सूत पुत्र कर्ण के प्रत्यंचा सहित धनुष को काटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर अधिरथ पुत्र कर्ण ठाठाकर हंस पड़ा और सम्रांगण में कुपित हो उसने शत्रु विनाशकारी सुदृढ़ प्रत्यंचा वाला अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर कुंती पुत्र के वध की इच्छा से सुवर्णमय पंख वाले सहस्त्रों अत्यंत तीखे बाणों का संधान किया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल किए जाते हुए बलवान भीमसेन कर्ण के मन में व्यथा उत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछले। संग्राम में विजय चाहने वाले भीमसेन का वह चरित्र देख राधा पुत्र कर्ण ने अपना अंग सिकोड़कर
भीमसेन के आक्रमण को विफल कर दिया। कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थी। वह रथ के पिछले भाग में दुबक गया था। उसे उस अवस्था में देखकर भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़ ले जाने की जो इच्छा की थी, उनके इस कर्म की समस्त कौरवों तथा चारणों ने भी प्रशंसा की। धनुष कट जाने तथा रथहीन होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए खड़े रहे। उनके रथ आदि साधनों को नष्ट करके राधानंदन कर्ण ने फिर क्रोधपूर्वक रणक्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित हुए इन पांडुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया। महाराज, एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर परस्पर भिड़कर वर्षा ऋतु में गर्जना करने वाले दो मेघों के समान गरज रहे थे। युद्ध स्थल में अमर्ष और क्रोध से भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों का संग्राम देव दानव युद्ध के समान भयंकर हो रहा था। जब कुंती कुमार भीमसेन के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, उनके पास एक भी आयुध शेष नहीं रह गया और कर्ण के द्वारा उन पर पूर्ववत आक्रमण होता रहा, तब वे रथ के मार्ग को बंद कर देने के लिए अर्जुन के मारे हुए पर्वताकार हाथियों को वहां गिरा देख उनके भीतर प्रवेश कर गए। हाथियों के समूह में पहुंचकर मानो वे रथ के आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गए हो ऐसा अनुभव करते हुए पांडुपुत्र भीम केवल अपने प्राण बचाने की इच्छा करने लगे। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण पर प्रहार नहीं किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार भीमसेन यह चाहते थे कि कर्ण के बाणों से बचने के लिए कोई व्यवधान मिल जाए, इसलिए वे अर्जुन के बाणों से मारे गए एक हाथी की लाश को उठाकर चुपचाप खड़े हो गए। उस समय वे संजीवन नामक महान औषधि से युक्त पर्वत उठाए हुए हनुमान जी के समान जान पड़ते थे। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उस हाथी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब पांडुनंदन भीम ने हाथी के कटे हुए अंगों को ही कर्ण पर फेंकना शुरू किया। रथों के पहिए, घोड़ों की लाशें तथा और भी जो वस्तुएं वे धरती पर पड़ी देखते उन्हें उठाकर क्रोध पूर्वक कर्ण पर फेंकते थे, परंतु वे जो जो वस्तु फेंकते उन सबको कर्ण अपने तीखे बाणों से काट डालता था। अब भीमसेन ने अपने अंगूठे को मुट्ठी के भीतर करके वज्रतुल्य अत्यंत भयंकर घूंसा तानकर सूत पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा की। तब तक क्षण भर में उन्हें अर्जुन की याद आ गई। अतः सव्यसाची अर्जुन ने पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसकी रक्षा करते हुए पांडुनंदन भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। इस प्रकार वहां बाणों के आघात से व्याकुल हुए भीमसेन को सूत पुत्र कर्ण ने बारंबार अपने पैने बाणों की मार से मूर्छित सा कर दिया। परंतु कुंती के वचन का स्मरण करके उसने शस्त्रहीन भीमसेन का वध नहीं किया। कर्ण ने उनके पास जाकर अपने धनुष की नोक से उनका स्पर्श किया। धनुष का स्पर्श होते ही वे क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकार उठे और उन्होंने कर्ण के हाथ से वह धनुष छीनकर उसे उसी के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की मार खाकर राधा पुत्र कर्ण की आंखें लाल हो गई। उसने हंसते हुए से यह बात कही, ओ बिना दाढ़ी मूछ के नपुंसक, ओ मूर्ख, अरे पेटू, तू तो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से सर्वथा शून्य है। युद्ध भीरु कायर छोकरे, अब फिर कभी युद्ध न करना। दुर्बुद्धि पांडव, जहां अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं रखी हों, तू वहीं रहने के योग्य है। युद्धों में तुझे कभी नहीं आना चाहिए। भीम, वन में रहकर तू फल मूल और फूल खाकर व्रत एवं नियम आदि पालन करने के योग्य है। युद्ध कौशल तुझ में नाम मात्र को भी नहीं है। वृकोदर, कहां युद्ध और कहां मुनिवृत्ति, जा जा वन में चला जा। तात, तुझ में युद्ध की योग्यता नहीं है, तू तो वनवास का ही प्रेमी है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, तू मत्स्यराज विराट का नौकर एक रसोईया रहा है। वृकोदर, तू तो घर में रसोइयों, भृत्यजनों तथा दासों को बहुत जल्दी भोजन तैयार करने के लिए
प्रेरणा देते हुए क्रोध से उन्हें डांटने और मारने पीटने की योग्यता रखता है। दुर्मति कुंती कुमार भीम, अथवा तू मुनि होकर वन में चला जा, वहां इधर उधर से फल ले आ और खा, तू युद्ध में निपुण नहीं है। वृकोदर, तू फल मूल खाने और अतिथि सत्कार करने में समर्थ है, मैं तुझे हथियार उठाने के योग्य नहीं मानता। प्रजापालक नरेश, कर्ण ने बाल्यावस्था में जो अप्रिय वृत्तांत घटित हुए थे उन सब का उल्लेख करते हुए बहुत सी रूखी बातें सुनाई। तत्पश्चात वहां छिपे हुए भीमसेन का कर्ण ने पुनः धनुष से स्पर्श किया और उस समय उनका उपहास करते हुए फिर कहा, आर्य, तुझे और लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए, मेरे जैसे वीरों के साथ नहीं। मेरे जैसे योद्धाओं से जूझने वालों की ऐसी ही अथवा इससे भी बुरी दशा होती है। अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन है वहीं चला जा, वे रणभूमि में तेरी रक्षा करेंगे। अथवा कुंती कुमार, तू घर चला जा, बच्चे तुझे युद्ध से क्या लाभ है। कर्ण के ये अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठठाकर हंस पड़े और सबके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले, अरे दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है, फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। संसार में पूर्व पुरुषों ने देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी है। नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, आ मेरे साथ मल्ल युद्ध कर ले, जैसे मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे अभी मौत के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का यह अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने ही उस युद्ध से हट गया। राजन, इस प्रकार कर्ण ने भीमसेन को रथहीन करके जब वृष्णि वंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण और महामना अर्जुन के सामने ही अपनी इतनी प्रशंसा की, तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से कपिध्वज अर्जुन ने शिला पर स्वच्छ किए हुए बहुत से बाणों को सूत पुत्र कर्ण पर चलाया। तत्पश्चात अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए तथा गांडीव धनुष से छूटे हुए वे सुवर्ण भूषित बाण कर्ण के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस क्रौंच पर्वत की गुफाओं में समा जाते हैं। इस प्रकार धनंजय ने गांडीव धनुष से छोड़े हुए रोष भरे सर्पों के समान बाणों द्वारा सूत पुत्र कर्ण को भीमसेन से दूर हटा दिया। भीमसेन ने कर्ण के धनुष को तो पहले से ही तोड़ दिया था, इसलिए वह धनंजय के बाणों से घायल हो भीमसेन को छोड़कर अपने विशाल रथ के द्वारा तुरंत ही वहां से दूर हट गया। इधर नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सात्यकी के रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में सव्यसाची पांडुपुत्र भाई अर्जुन के पास जा पहुंचे। तत्पश्चात क्रोध से लाल आंखें किए अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण को लक्ष्य करके एक नाराज चलाया, मानो यमराज ने किसी के लिए मौत भेज दी हो। गांडीव धनुष से छूटा हुआ वह नाराज आकाश मार्ग से तुरंत ही कर्ण की ओर चला, मानो गरुड़ किसी उत्तम सर्प को पकड़ने के लिए जा रहे हो। उस समय अर्जुन के भय से कर्ण का उद्धार करने की इच्छा रखकर महारथी अश्वत्थामा ने अपने बाण से उस नाराज को आकाश में ही काट दिया। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अश्वत्थामा को 64 बाण मारे और कहा, खड़ा रहे, भागना मत। परंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो अश्वत्थामा तुरंत ही रथ से व्याप एवं मतवाले हाथियों से भरे हुए व्यूह के भीतर घुस गया। तब बलवान कुंती कुमार अर्जुन ने रणक्षेत्र में टंकार करते हुए सुवर्णमय पृष्ठ भाग वाले समस्त धनुषों के सम्मिलित शब्दों को अपने गांडीव धनुष के गंभीर घोष से दबा दिया। अर्जुन भागते हुए अश्वत्थामा के पीछे पीछे अपने बाणों द्वारा कौरव सेना को संत्रस्त करते हुए कुछ दूर तक गए। उस समय उन्होंने कंक और मोर की पांखों से युक्त नाराजों द्वारा घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके सारी सेना को तहस नहस कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उस समय सावधान हुए इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन ने हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से भरी हुई उस सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन और कर्ण का युद्ध विषयक 139वां अध्याय
पूरा हुआ। 140वां अध्याय। सात्यकी द्वारा राजा अलम्बुश का और दुशासन के घोड़ों का वध। धृतराष्ट्र बोले, संजय, प्रतिदिन मेरा उज्जवल यश घटता या मंद पड़ता जा रहा है। मेरे बहुत से योद्धा मारे गए, इसे मैं समय का ही फेर समझता हूं। अश्वत्थामा और कर्ण के द्वारा सुरक्षित मेरी सेना में, जहां देवताओं का भी प्रवेश असंभव था, क्रोध में भरे हुए अर्जुन प्रविष्ट हो गए। महान पराक्रमी श्री कृष्ण और भीमसेन तथा शिनी प्रवर सात्यकी का साथ होने से अर्जुन का बल तथा पराक्रम और भी बढ़ गया है। जब से यह बात मुझे मालूम हुई है, तब से शोक मुझे उसी प्रकार दग्ध कर रहा है जैसे काष्ठ से पैदा होने वाली आग अपने आधारभूत काष्ठ को ही जला देती है। मैं सिंधुराज जयद्रथ सहित समस्त राजाओं को काल के गाल में गया हुआ ही समझता हूं। सिंधुराज जयद्रथ किरीटधारी अर्जुन का महान अप्रिय करके जब उनकी आंखों के सामने आ गया है, तब कैसे जीवित रह सकता है। संजय, मैं अनुमान से यह देख रहा हूं कि सिंधुराज जयद्रथ अब जीवित नहीं है। अब वह युद्ध जिस प्रकार हुआ था, वह सब यथार्थ रूप से बताओ। संजय, जैसे हाथी किसी पोखरे में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जिन्होंने अकेले ही कुपित होकर मेरी विशाल सेना को शुद्ध करके बारंबार उसे मत कर उसके भीतर प्रवेश किया था, उन वृष्णिवंशी वीर सात्यकी ने अर्जुन के लिए प्रयत्न पूर्वक जैसा युद्ध किया था, उसका वर्णन करो, क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। संजय ने कहा, राजन, पुरुषों में प्रमुख वीर भीमसेन अर्जुन के पास जाते समय जब इस प्रकार से कर्ण द्वारा पीड़ित होने लगे, तब उन्हें उस अवस्था में देखकर शिनिवंश के प्रधान वीर सात्यकी ने उन नरवीरों के समूह में रथ के द्वारा भीमसेन की सहायता के लिए उनका अनुसरण किया। जैसे वज्रधारी इंद्र वर्षा काल में मेघ रूप से गर्जना करते हैं और जैसे सूर्य शरद काल में प्रज्वलित होते हैं, उसी प्रकार गरजते और तेज से प्रज्वलित होते हुए सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष द्वारा आपके पुत्र की सेना को कपाते हुए शत्रुओं का संहार करने लगे। भारत, उस युद्ध स्थल में रजत वर्ण के अश्वों द्वारा आगे बढ़ते और गर्जना करते हुए मधुवंश शिरोमणि वीर सात्यकी को आपके सारे रथी मिलकर भी रोक न सके। उस समय सोने का कवच और धनुष धारण किए युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने अमर्ष में भरकर मधुकुल के महान वीर सात्यकी को सहसा सामने आकर रोका। भरतनंदन, उन दोनों का जैसा संग्राम हुआ, वैसा दूसरा कोई युद्ध नहीं हुआ था। आपके और शत्रु पक्ष के समस्त योद्धा संग्राम में शोभा पाने वाले उन दोनों वीरों को देखते ही रह गए थे। राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने सात्यकी को बलपूर्वक 10 बाण मारे। शिनी प्रवर सात्यकी ने भी बाणों द्वारा अपने पास आने से पहले ही उन समस्त बाणों को काट गिराया। तब अलम्बुश ने धनुष को कान तक खींचकर अग्नि के समान प्रज्वलित सुंदर पंख वाले 3 तीखे बाणों द्वारा पुनः सात्यकी पर प्रहार किया। वे बाण सात्यकी के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में घुस गए। अग्नि और वायु के समान प्रभावशाली उन प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा सात्यकी का शरीर विदीर्ण करके अलम्बुश ने चांदी के समान चमकने वाले उन चारों घोड़ों को भी 4 बाणों से हठात घायल कर दिया। इस प्रकार अलम्बुश के द्वारा घायल होकर चक्रधारी विष्णु के समान प्रभावशाली और वेगवान वीर शिनी पौत्र सात्यकी ने अपने उत्तम वेग वाले 4 बाणों द्वारा राजा अलम्बुश के चारों घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात उनके सारथी का भी मस्तक काटकर कालाग्नि के समान तेजस्वी भल्ल द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान कांति से प्रकाशित होने वाले उनके कुंडल मंडित मुखमंडल को भी धड़ से काट गिराया। राजन, शत्रुओं को मत डालने वाले यदुकुल तिलक वीर सात्यकी ने इस प्रकार युद्ध स्थल में राजा के पुत्र और पौत्र अलम्बुश को मारकर आपकी सेना को स्तब्ध करके फिर अर्जुन का ही अनुसरण किया। उस समय गोदुग्ध कुंदकुसुम चंद्रमा तथा हिम के समान कांति वाले सिंधु देश सुशिक्षित सुंदर घोड़े जो सोने की जाली से आवृत थे, पुरुष सिंह सात्यकी जहां जहां जाना चाहते वहां वहां उन्हें ले जाते थे। अजमीर वंशी भरतनंदन,
इस प्रकार जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करती रहती है, वैसे ही बारंबार बाणों द्वारा कौरव सेनाओं का संहार करते और शत्रुओं के बीच में विचरते हुए वृष्णी वीर सात्यकी को वहां आया हुआ देख योद्धाओं में प्रधान आपके पुत्र दुशासन को अगुआ बनाकर आपके बहुत से पुत्र तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धा भी शीघ्रता पूर्वक एक साथ ही उन पर टूट पड़े। वे सभी बड़ी बड़ी सेनाओं का आक्रमण सहने में समर्थ थे। उन सब ने युद्ध स्थल में सात्यकी को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। सात्वत शिरोमणि वीर सात्यकी ने भी अपने बाणों के समूह से उन सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। अजमीर नंदन, उन सबको रोक कर शत्रुघाती शिनी पौत्र सात्यकी ने तुरंत ही धनुष उठाकर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा दुशासन के घोड़ों को मार डाला। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में प्रधान वीर सात्यकी को उस युद्ध भूमि में उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अलंबुष वध विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।